एपिडिडाइमिस वो पर्टिकुलर साइट है, वो पर्टिकुलर एसेसरी मेल डक्ट है जहां पे स्पर्म का मैच्यूरेशन होगा। क्या होगा? मैच्यूरेशन होगा। और मैच्यूरेशन प्रोसेस में ये दो चीजें गेन करेगा, दो चीजें गेन करेगा। पहला तो ये गेन करेगा मोटिलिटी, ये गेन करेगा मोटिलिटी, और दूसरी एक एबिलिटी गेन करेगा ये किसकी? फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन स्पर्म का मैच्यूरेशन होगा एपिडिडाइमिस में, मैच्यूरेशन में मोटिलिटी गेन करेगा और इसके पास फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी आ जाएगी, फर्टिलाइजेशन की ये क्या हो जाएगा? कैपेबल हो जाएगा। तो एक चीज बड़े आसान शब्द में ये समझिए कि मैच्यूरेशन है क्या? एक तरीके की एजिंग प्रोसेस है। इसको आप ऐसे समझिए, मैंने आपको बताया कि एपिडिडाइमिस एक लॉन्गेस्ट डक्ट है पूरे के पूरे मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की, सबसे लंबी डक्ट सिस्टम है ये, सबसे लंबी डक्ट है। मैंने आपको बताया कि मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सी है? एपिडिडाइमिस। अबाउट 6 मीटर लॉन्ग हाईली टॉर्चुअस कॉन्वोलेटेड डक्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडिडाइमिस। तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ रही होगी कि ज्यादा देर कहां रहेगा स्पर्म? एपिडिडाइमिस में। स्पर्म ज्यादा देर कहां पे रहेगा जो सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है? एपिडिडाइमिस में। और ज्यादा उम्र कहां बीतेगी स्पर्म की? ऑब्वियसली एपिडिडाइमिस में। उम्र का बढ़ना क्या है? एक्चुअली एजिंग है। एजिंग का मतलब क्या है? मैच्योरिटी ही तो है। उम्र के बढ़ने को हम लोग क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पे ज्यादा देर रहेगा वहीं पे क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। ये बात आपको इस चीज को याद रखने में बहुत मदद करेगी, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट एपिडिडाइमिस है, सबसे देर कहां पे रहेगा स्पर्म? एपिडिडाइमिस में। सबसे ज्यादा उम्र कहां पे बीतेगी? एपिडिडाइमिस में। यानी एजिंग प्रोसेस कहां पे होगी स्पर्म की? एपिडिडाइमिस में ज्यादा। और एजिंग क्या है? एक्चुअली मैच्योरिटी है। तो मैच्योरेशन कहां पे होगा? एपिडिडाइमिस में। मैच्योरेशन का मतलब ये दो चीजें सीख लेगा, एक तो मोटिलिटी और एक फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी आ जाएगी इसमें। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। MM का मतलब क्या है? मैच्यूरेशन होगा और मोटिलिटी आ जाएगी किसमें? मोटिलिटी आ जाएगी किसमें? स्पर्म में। लेकिन फिर मैं आपको एक बार इस चीज को अश्योर कर दूं जिसमें एक वेरी क्लियर कि मोटिलिटी आ जाएगी एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में मोटिलिटी गेन कर लेगा, ये लोकोमोशन करने के कैपेबल हो जाएगा, लेकिन मूव नहीं करता है अपने फ्लैजेलम की हेल्प से। फिर मैं आपको बता दूं कि जब तक स्पर्म मेल बॉडी के अंदर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम के अंदर है, स्पर्म अपने फ्लैजेलम की हेल्प से कभी भी मूव नहीं करता है, अपने टेल की हेल्प से कभी भी मूव नहीं करता है। फिर मैंने आपको बताया मोटिलिटी गेन कर लेगा एपिडिडाइमिस में, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से समझ लीजिए रुक के। तो मैंने आपको बताया कि एपिडिडाइमिस में मैच्यूरेशन होगा, मैच्यूरेशन में मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी आएगी, मोटिलिटी आ जाएगी एपिडिडाइमिस में, लेकिन ये मूव नहीं करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन फ्लैजेलम, अपने फ्लैजेलम की हेल्प से ये मूव नहीं करेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरी चीज ये आप समझिए कि ज्यादा देर तक अगर स्पर्म इसमें टिक रहा है, रुक रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे हो रहे होंगे ढेर सारे स्पर्म, क्योंकि यहां से अगर हम यहां तक देखें तो ये 6 सेंटीमीटर का पाथ, 6 मीटर का पाथ है। तो स्पर्म यहाँ पे इस ट्यूब्यूल में या इस डक्ट में ज्यादा देर तक क्या रहेंगे? एक्युमुलेट रहेंगे। यानी मैं कह रहा हूं कि एपिडिडाइमिस में दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो दो चीजें, मैच्यूरेशन और स्टोरेज कहां पे हो रहा है? एपिडिडाइमिस में। एमएमएस मैंने आपको कोड वर्ड दिया याद करने के लिए, एक एम का मतलब मैच्यूरेशन, एक एम का मतलब मोटिलिटी, एक एस का मतलब क्या है? स्टोरेज। तो एपिडिडाइमिस के लिए एमएमएस याद रखेंगे, एम का मतलब मैच्यूरेशन, एम का मतलब मोटिलिटी, एस का मतलब स्टोरेज। तो मैच्यूरेशन में दो चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो सिर्फ आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन एक्चुअली है क्या, इसका मैच्यूरेशन है, इसकी क्या है? मैच्योरिटी है, इसकी क्या है? एजिंग है। और स्टोरेज ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ज्यादा देर तक अगर इकट्ठा होंगे तो हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं स्टोरेज की प्रोसेस से। तो ह्यूमन स्पर्म्स जो हैं स्टोर होते हैं कहां पे? एपिडिडाइमिस में। कहां पे स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये ओपन होगी, एपिडिडाइमिस जो है ये ओपन होगी एक कंपैरेटिवली ब्रॉडर कंपैरेटिवली शॉर्टर और स्ट्रेटर डक्ट में, लाइक दिस। हमने आपको बताया कि ये कंपैरेटिवली क्या होगी? शॉर्टर होगी, ब्रॉडर होगी और
स्ट्रेटर होगी, चौड़ी होगी थोड़ी दूसरे डक्ट्स के कंपैरिजन में, छोटी भी होगी और स्ट्रेट होगी, सबसे सीधी डक्ट होगी। और इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे वॉस डिफरेंस, इसको हम लोग बोलेंगे वॉस डिफरेंस। नंबर में कितनी होगी ह्यूमन बॉडी? दो। एक टेस्टिस के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक टेस्टिस के कंटेस्ट में, और यही पूरा एप्लीकेबल होगा दूसरे साइड वाली टेस्टिस में। यानी मैं बात कर रहा हूं अगर राइट टेस्टिस के अबाउट, तो लेफ्ट टेस्टिस का भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा। तो एक मैं एक टेस्टिस के रेफरेंस में बोल रहा हूं, तो वॉस डिफरेंस का नंबर दो टेस्टिस के रेफरेंस में क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। एक एक टेस्टिस से एक एक वॉस डिफरेंस अराइज होगी। एंड दिस पर्टिकुलर ट्यूब्यूल या डक्ट जिसको हम वॉस डिफरेंस बोल रहे हैं, इट गोज अप टू द एब्डोमिन। ये कहां पे चली जाएगी? चली जाएगी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि टेस्टिस एब्डोमेन से कहां पे आया था? स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम में ये टेस्टिस है, इसमें स्पर्म इस रास्ते को तय कर रहा है और फाइनली कहां पे आ जाएगा? वॉस डिफरेंस में। और ये जो वॉस डिफरेंस है, ये वापस से कहां पे जा रही है? एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है। ये कहां पे जा रही है? एब्डोमिनल कैविटी में। मैंने आपको बताया था कि जो इंग्विनल कैनाल है उस रास्ते से आएगी टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रोटल सैक। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि इस कमरे के ऊपर वाला जो कमरा है इसको आप मान लीजिए एब्डोमेन, और इस कमरे को मान लीजिए स्क्रोटम, और ये जो छत है ये मान लीजिए पेल्विक ब्रिम है, और यहाँ पे ऊपर जो बल्ब लगा था मैंने कहा था उसको टेस्टिस मान लीजिए, और उसको पकड़ के हमने नीचे खींचा था, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उससे जो एसोसिएटेड वायर्स हैं, तार हैं, वो भी क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली चार तरीके के तार थे, वायर्स थे। पहला मैंने आपको बताया था कि एक सप्लाई जो ब्लड की लेकर के आ रही होगी जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी, दूसरी जो ब्लड की सप्लाई लेके जा रही होगी जो पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सस वगैरह बना रही होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर वेन। और नर्व सप्लाई भी होगी वहां पे, मैंने आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट नर्व्स वहां पे होंगी, इलियो इंग्वेनल और जेनाइटो फीमोरल। नाम आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पे नर्व सप्लाई होगी तीसरी, और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ डक्ट सिस्टम होंगे जो स्पर्म को कैरी करेंगे आउटसाइड द टेस्टिस, आउटसाइड द स्क्रोटम। तो जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म भर रहे हैं उसको भी तो लेकर के बाहर जाना है। तो ये टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन्स और टेस्टिकुलर नर्व्स अलोंग विद दिस पर्टिकुलर डक्ट सिस्टम, वॉस डिफरेंस जिसको बोल रहे हैं, ये एक कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट बनाते थे जिसको हम लोग बोलते थे स्पर्मेटेड कॉर्ड, जो कि पास होती थी इंग्विनल कैनाल से। जैसे हम बल्ब को पकड़ करके अगर नीचे खींच रहे हैं तो जिस रास्ते से बल्ब आ रहा है उसी रास्ते से आएगा ये पूरा का पूरा चारों तार, और तार के चारों तरफ हमने कहा था अगर हम हैंकी या रुमाल लपेट दें तो ये कॉर्ड या बंडल के फॉर्म में अपीयर होगा। उस कॉर्ड या बंडल को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटेड कॉर्ड। और उस स्पर्मेटेड कॉर्ड में जो वायर्स हैं उसमें एक वायर वो भी है जो यहाँ से स्पर्म को कैरी कर रहा है बाहर। उस वायर को हम क्या बोल रहे हैं? उस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? वॉस डिफरेंस बोल रहे हैं। तो ये वॉस डिफरेंस वापस से एसेंड कर रही है कहां पे? वापस से एसेंड कर रही है, ऊपर जा रही है कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में किसके थ्रू जाएगी? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। तो इंग्विनल कैनाल का कंटेंट मैंने आपको बता दिया, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व, और ये डक्ट सिस्टम होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? वॉस डिफरेंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसल भी इसमें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिमस्टर मसल, और क्रिमस्टर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये पुल करती है स्क्रोटम को अप टू द एब्डोमेन, जो कि सरफेस एरिया को घटा करके टेम्परेचर या थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ये बात मैंने कर ली थी ऑलरेडी जब स्क्रोटम की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे थे। तो इस चीज को हमने समझ लिया, इस चीज को हमने समझ लिया कि ये जो वॉस डिफरेंस है ये जाएगी अप टू द एब्डोमेन, वापस एसेंड करेगी एब्डोमिनल कैविटी में थ्रू द इंग्विनल कैनाल। किसके थ्रू जाएगी? इंग्विनल कैनाल। तो टेस्टिस से जो अराइज हो रही है ये स्ट्रेटर, ब्रॉडर और कंपैरेटिवली शॉर्टर डक्ट जिसको हम वॉस डिफरेंस बोल रहे हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में वापस से असेंड कर रही है थ्रू द इंग्विनल कैनाल, थ्रू द इंग्विनल कैनाल। और ये जो वॉस डिफरेंस है ये यूरेटर के पीछे से जाकर के इस तरीके से लूप बनाएगी एंड ओवर द यूरिनरी ब्लैडर ये एंटर कर जाएगी पेनाइल सॉफ्ट में। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऊपर कहीं पे ये इस तरीके से यूरेटर होगा, इस तरीके से ये यूरेटर होगा यहाँ पे ऊपर। तो ये जो जा रही है वॉस डिफरेंस यूरेटर के पीछे से इस तरीके से इसके ऊपर एक लूप बनाएगी ये। इस चीज को आप ध्यान से फिर से समझिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं यूरिनरी ब्लैडर होगा एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर होगा, यहां से नीचे से जा रही है वॉस डिफरेंस, और इस यूरेटर में ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जो लोअर एब्डोमेन में है यहां पे इस तरीके से आकर के ओपन हो रही होगी एक ट्यूब्यूल। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूरेटर। जो किडनी से लेकर के आ रही होगी यूरिन को, तो ये हो गई यूरेटर और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और यहां से नीचे से जा रही है वॉस डिफरेंस। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से इस तरीके से एक लूप बनाएगी,
इस तरीके से पीछे से आएगी यूरेटर के, यूरेटर के पीछे से आकर के एक लूप बनाएगी और ओवर द यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से एंटर कर जाएगी ह्यूमन पेनाइल सॉफ्ट में, पेनिस में, और ज्वाइन करेगी किसको, यूरेथ्रा को, ज्वाइन करेगी किसको, यूरेथ्रा को। तो इतनी बात आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वॉस डिफरेंस है जो एक लूप बना रही है यूरेटर के पीछे से और ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ही ज्वाइन कर रही है यूरेथ्रा को, तो ये कैसे यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगी, इसका फर्दर फॉरवर्ड कोर्स ऑफ पाथ क्या होगा, और ये यूरेथ्रा में आते आते ये यूरेथ्रा में आकर के कौन कौन से डिफरेंट इंपॉर्टेंट एसेसरी डक्ट के सिस्टम को क्या करेगी, सिक्रीशंस को क्या करेगी, रिसीव करेगी, और वो फाइनली कैसे इजैकुलेट या सीमेन बनाएंगे, ये सारी बात मैं थोड़ी देर में आपसे कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। एक बार मैं तेजी से आपको बता देता हूँ कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में बनेंगे स्पर्म, यहां से जाएंगे इस स्ट्रेट डक्ट में जिसको हम बोलेंगे ट्यूबुलरी रेक्टाई, ये ओपन हो रही है एक एनास्टमोजिंग चैनल में जिसको हम बोल रहे हैं रीटे टेस्टिस ओपन हो रही है 15 से 20 डिफरेंट डक्ट्यूल्स में जिसको हम बोल रहे हैं वॉसा एफरेंसिया एक सिंगल हाईली टॉर्चुअस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ओपन हो रही है, डक्ट में ओपन हो रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस के हेड को कैपार्ट, बॉडी को कार्पस, टेल को कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोल रहे हैं। एपिडिडाइमिस जो है ओपन हो रही है किसमें, वॉस डिफरेंस में, एंड वॉस डिफरेंस गोज अप टू द एब्डोमेन, क्रॉसेस द यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटर्स इनटू द पेनाइल सॉफ्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ज्वाइंस यूरेथ्रा। क्या करेगी, यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगी, और यूरेथ्रा को ज्वाइन करते करते कई सारे यूरेथ्रा में जा करके कई सारे डिफरेंट एसेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को रिसीव करके ये स्पर्म क्या फाइनली बना लेगा, इजैकुलेट या सीमेन बना लेगा। तो इस पूरी बात को एक बहुत अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिए, फिर मैं आपको स्पर्म के फर्दर कोर्स ऑफ पाथ को बताऊंगा कि स्पर्म फाइनली ये आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी कैसे रिलीज होगा, यानी ये जो वॉस डिफरेंस है ये यूरेथ्रा को ज्वाइन कैसे करेगा, यूरेथ्रा को ज्वाइन करते करते या यूरेथ्रा में आकर के कौन से एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को रिसीव करेगा, और वो सिक्रीशंस मिल करके स्पर्म से कैसे इजैकुलेट बनाएंगे या कैसे सीमेन बनाएंगे, और वो फाइनली किस पर्टिकुलर रीजन से इजैकुलेट होंगे या आउटसाइड द ह्यूमन मेल बॉडी रिलीज होंगे। तो ये फाइनल फर्दर कोर्स ऑफ पाथ अभी थोड़ी देर में हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले इस बात को पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज करेंगे।